अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन, हामिद हुसैन नियाजी है। आज मैं सैयद अमीर खुसरो साहब के मज़ार पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं उनके बारे में बताऊँगा आपको। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। और जी आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहेगा, इंशाल्लाह मैं आगे तरक्की पा सकूँगा। इंशाल्लाह मैं आपको सैयद अमीर खुसरो साहब के बारे में बताता हूँ आपको। आइए अंदर चलते हैं दरगाह में। आप देख सकते हैं आज जुमा मुबारक है माशाल्लाह से, कि आज जुमे की नमाज़ से फारिग हुए सब लोग। और जुमे की नमाज़ के बाद हम सब लोग यार दोस्त हैं सब। आप देख सकते हैं यहाँ पे यार दोस्त हैं सब, यहाँ पे हम लोग सब मस्जिद की देखभाल करते हैं। आइए आगे चलते हैं इंशाल्लाह। निज़ामुद्दीन औलिया, सैयद निज़ामुद्दीन औलिया पे हम लोग आ चुके हैं सरकार महबूब इलाही के मज़ार पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चादरें वगैरह फूल वगैरह ले सकते हैं आप, चादरें फूल वगैरह आप यहाँ से लेके अंदर दाखिल हो सकते हैं। मेन गेट है सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का। सरकार करम फरमाए हम सब पर। आइए आगे चलते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये आप देख सकते हैं अंदर सरकार महबूब इलाही में काफ़ी लोग आते हैं माशाल्लाह से। आज मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो तालाब है आप देख सकते हैं, बाबरी है सरकार महबूब इलाही की बाबरी। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। और आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप ज़ियारत कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत मशहूर मज़ार है सरकार निज़ामुद्दीन औलिया साहब का। आज मैं आपको सैयद अमीर खुसरो साहब के बारे में बताऊँगा। ये बाबरी है, ये वज़ू खाना है आप देख सकते हैं सरकार निज़ामुद्दीन औलिया में। ये वज़ू खाना है, देखिए पानी बह रहा है। आप कभी भी पानी बहता हुआ देखें तो प्लीज़ आप उसको बंद कर दिया करें। ये मैंने इनसे भाई से कहा है तो उन्होंने बंद करा, जाके बंद कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी पानी अगर बहता हुआ देखें तो उसको बंद करें, बहुत बड़ा सवाब है। पानी बहना नहीं चाहिए, पानी को बंद कर देगा आप देखें। सरकार महबूब इलाही है कि मज़ार है आप देख सकते हैं। कभी भी दिल्ली में महबूब इलाही के मज़ार पर आए, निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर। ये मस्जिद है आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर चादर वगैरह फूल पेश वगैरह यहाँ से ले सकते हैं आप सरकार के लिए। कभी भी आप निज़ामुद्दीन औलिया सामने आएँ आप, तो सबसे पहले सरकार सैयद अमीर खुसरो साहब को सलाम पेश करना है। ये मैं नहीं कह रहा है, सरकार ये निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने फरमाया। जो भी मेरे पास आए तो सबसे पहले सैयद अमीर खुसरो साहब को सलाम पेश करें, उसके बाद मेरे पास सलाम अर्ज़ करें। मतलब पहले आपको निज़ामुद्दीन औलिया के पास नहीं आना, पहले सैयद अमीर खुसरो साहब के पास जाके सलाम अर्ज़ करना है। सैयद अमीर खुसरो साहब के बाद आप जा सकते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के पास जा सकते हैं, फिर उनको सलाम करना है। ये निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो सैयद अमीर खुसरो साहब के पीर है, ये मुरीद है अमीर खुसरो साहब। और निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं ये है पीर। अमीर खुसरो साहब ने ऐसा कलाम पढ़ा, आज रंग है माँ रंग है री, समझिए उन्हीं का कलाम है पढ़ा हुआ। पूरी दुनिया में फेमस है ये रंग जो पढ़ाया जाता है, सब मज़ारों पर रंग ज़्यादातर यही पढ़ाया जाता है सैयद अमीर खुसरो साहब के नाम का, बड़ा फेमस रंग है ये। इन जैसा रंग अभी तक तोड़ नहीं मिला सैयद अमीर खुसरो साहब का रंग जो पड़ा हुआ है, महबूब इलाही ने रंग पड़ा आपने अपने पीर मुर्शिद के लिए, आज तक इसका कोई तोड़ नहीं है। आइए अंदर दिखाता हूँ, ये सरकार निज़ामुद्दीन औलिया साहब का मज़ार है, आप देख सकते हैं अंदर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। सरकार निज़ामुद्दीन साहब का मज़ार मुबारक है, आप देखिए काफ़ी से आप दुआ और मेरे लिए भी दुआ करा करें, अल्लाह ताला हम सब करे और सरकार हम सब पर हज़रे करम फरमाए। निज़ामुद्दीन औलिया माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सरकार फरमाते हैं अगर शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देता, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं शरीयत अगर इस चीज़ की इजाज़त देता तो मैं अपने मज़ार मतलब मैं अपनी कब्र में मैं ये हुक्म करता कि सरकार मतलब अमीर खुसरो साहब को मेरे साथ दफन कर रहा है, लेकिन शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ये सरकार निज़ामुद्दीन साहब ने फरमाया अगर शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देता तो हम दोनों एक ही कब्र में दफन होते। कितनी बड़ी मोहब्बत है आप देख सकते हैं, ये कम बात नहीं बहुत बड़ी बात है। ये पीर साहब अपने मुरीद से नहीं कह रहे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं ये सरकार महबूब इलाही और ये अमीर खुसरो साहब दोनों मुरीद, दो मुरीद हैं आपके सरकार अमीर खुसरो और सैयद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये आप
आज इंशाल्लाह मैंने आपको मज़ा भी दिखाया था सैयद चिराग दिल में उतला साहब का मज़ार भी दिखाया था मैंने आपको, ऐसे आगे इंशाल्लाह और भी मज़ार दिखाऊंगा मैं आपको। सरकार करम फरमाए हम सब पर। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रही मज़ार, सामने मस्जिद है ये। आगे चलते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। सरकार हम सब पर करम फरमाए, और भी इंशाल्लाह मैं आपको करामत बताऊंगा सरकार निज़ामुद्दीन साहब की। और जैसा कि आपने देखा मैंने सैयद अमीर खुसरो साहब के बारे में बताया मैंने आपको, सरकार का क्या मकाम है और आप किससे मुरीद हैं सरकार अमीर खुसरो साहब का जलवा, और आपको उनके बारे में उनसे क्या क्या बताया आपने देखा। ऐसी प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।